ओके मैंने फेदर क्लाइंट लगा लिया है। ओ भाई ओ तो क्या आप लोग फेदर क्लाइंट लगाना है वो भी पूजा ब्लॉन्जर के अंदर, वो भी पूरा फेदर क्लाइंट। सबसे पहले आप लोग अगर नए चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है 600 सब्सक्राइबर के, और लाइक एम रहा 10 लाइक एम। अगर ये फेदर क्लाइंट से आप लोग देख सकते हो ऊपर FPS भी 100 होगा, फुल फेदर क्लाइंट का होता है। आप लोग अभी मैं सेटिंग दिखा देता हूँ, देखो जैसा फेदर क्लाइंट का सेटिंग होता है वैसा ही सेटिंग है पूरा, आप लोग देख सकते हो फुल फेदर क्लाइंट है। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी काम की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई आप लोग पहले ZHV पे डाउनलोड कर लेना है, फिर इसको ओपन करना है, फिर आपका जो फेदर क्लाइंट आपने डाउनलोड किया कमेंट लिंक से उसको पहले खोजना है, डाउनलोड पे जाकर फेदर क्लाइंट वाला ऑप्शन खोजना है, और मैं और यहाँ फेदर क्लाइंट पे क्लिक करना है, फिर व्यू वाला ऑप्शन पे जाकर फेदर क्लाइंट पे क्लिक कर फेदर क्लाइंट के जो 1.16.5 मॉड वाला फोल्डर है उसको कॉपी कर लेना है, फिर एंड्रॉयड डाटा पूजा ब्लॉन्चर वाला फाइल फाइल्स डॉट माइनक्राफ्ट, उसके बाद मॉड्स। फिर जैसे अगर आप लोगों को मॉड्स वाला फोल्डर नहीं है तो यहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हो मॉड वाला फोल्डर, काफ़ी बंदे को नहीं होता है तो यहाँ से ओके करके आप लोग क्रिएट सो तो फिर वो वाला आपको मॉड्स फेदर क्लाइंट वाला यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और ये 1.16.5 के लिए है। तो गाइज अभी आप लोग मेरा पहले से पेस्ट है इसलिए मैंने पेस्ट नहीं किया, तो फिर आप लोगों को वहाँ पेस्ट करना है, मेरा पहले से पेस्ट है इसलिए फिर मैंने पेस्ट नहीं किया। तो फिर आप लोगों को जाना है डाउनलोड पे जाना है, फिर से आपको फेदर क्लाइंट पे जाकर व्यू पे क्लिक करना है। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपका नीचे वाला एक है फेदर क्लाइंट 1.0 उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर एंड्रॉयड पे जाना है, एंड्रॉयड जाने के बाद डाटा पे जाने के बाद पूजा ब्लॉन्चर पे फाइल्स जाकर डॉट माइनक्राफ्ट पे जाकर मॉड्स पे नहीं ये पैक आपको रिसोर्स पैक में ये पेस्ट करना है। तो मेरा पहले से पेस्ट है इसलिए मैंने पेस्ट नहीं किया है, आप लोग देख सकते हो। गाइस अभी भी आप लोग का काम नहीं हुआ है, अभी आप लोगों को नहीं ओपन करना है, मेरा पहले से पेस्ट था, आप लोगों को रिसोर्स पैक में वो बोला मॉड जाके पेस्ट करना है, फिर आपको फिर जाना है फेदर क्लाइंट पे जाना है, फिर आपको फेदर क्लाइंट पे जाने के बाद फिर इसको क्लिक करके व्यू करना है, फिर उसको जाने के बाद फिर मॉड पे क्लिक करना है, और जो ये दिख रहा है KDS.txt हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल txt इसको भी कॉपी करना है, कॉपी करके आप लोगों को यहाँ से नहीं यहाँ पर से कॉपी करना है, फिर आप लोगों को एंड्रॉयड पे जाना है डाटा पे जाना है, फिर पूजा ब्लॉन्चर पे जाकर फाइल्स पे जाकर डॉट माइनक्राफ्ट पे जाकर मॉड वाले फोल्डर पे क्लिक कर देना है। और गाइस रुको अभी स्किप मत करो, अभी आगे और एक और काम करना पड़ेगा। तो गाइस जो मैंने फर्स्ट मॉड था जो मैंने मॉड वाले फोल्डर पे पेस्ट किया वो मॉड वाले फोल्डर पे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, बस इतना ही काम था। आप लोग देख लो फेदर क्लाइंट लगाने के बाद आपका लॉन्चर कैसा दिख रहा है, मॉड लगाने के बाद आपका लॉन्चर कुछ ऐसा दिखने वाला है, तो आप लोग देखो। और आप लोग जब ये एक्सट्रैक्ट करोगे अपना फाइल तो आप लोगों को मॉड भी मिलते हैं, तो आप लोग देख लो कौन कौन से मॉड मिलते हैं। देखो ये सब मॉड मिलते हैं, 23 मॉड मिलते हैं फुल, वो बहुत अच्छे अच्छे मॉड है। गाइस आप लोग बाकी मॉड बाद में देख लेना जो जो मॉड है। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस सो क्लोज टू 600 सब्सक्राइबर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।